नमस्कार, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। आज हम बात करने वाले हैं अखफोड़वा कांड के बारे में, जब भागलपुर में पुलिस ने आंख में तेजाब डालकर 33 लोगों को अंधा किया। घटना तो है 1980 के दशक की, लेकिन मशहूर पत्रकार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की हाल ही में आत्मकथा प्रकाशित हुई, जिसका नाम है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉलेज। इसमें उन्होंने इस घटना का विस्तार से ब्यौरा दिया, जिसमें उनके अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले ब्रेक किया। इस बुक्स के साथ ही जैसे ही कुछ फोटोज भी रिलीज हुई है, वैसे ही ये घटना फिर से सभी को याद आ गया। और जैसा कि हम बता ही रहे हैं आपको, ये 1980 में जब पहली बार भागलपुर में अंधे किए गए लोगों की तस्वीर छपी, तो उस समय भी पूरे जनमानस को बुरी तरह से झकझोर दिया था। कुछ पुलिस वाले तो तुरंत न्याय करने के नाम पर कानून को अपने हाथ में ले लिया था और 33 अंडर ट्रायल लोगों की आंख फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया। और बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी, जिसको गंगा जल नाम दिया। जी हां, गंगा जल जो मूवी जो बनाई गई, जिसमें अजय देवगन ने लीड रोल प्ले किया है, ये गंगाजल इसी घटना पर ही आधारित। और ये याद करते हैं कि नवंबर 1980 में हमारे पटना संवाददाता अरुण सिंह को पता चला कि भागलपुर में पुलिस और आम लोग जेल में बंद कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर रहे हैं। जब उन्होंने इसके बारे में पता करना शुरू किया, तो पटना के जो उस समय के IG जो थे, उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी देने से उन्हें साफ साफ मना कर दिया। शौरी जी से जब ये पूछा गया कि इन कैदियों का किस तरह से अंधा किया जाता था, उनको किस तरह से अंधा किया जाता था, तो शौरी का जवाब था कि इन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता था, जहां पुलिस वाले उन्हें बांधकर जमीन पर गिरा देते थे और उनके ऊपर बैठ जाते थे। कुछ पुलिस वाले उनके पैर और बाहों को पकड़ लेते थे, फिर बोरा सिलने वाले नुकीले लंबे जो जूटे तकवा से उनकी आंखें भोंक दी जाती थी, तथा उसके बाद डॉक्टर एक आते थे जो ये सुनिश्चित करते थे कि उनको कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, और वो आके जांच करते थे कि हां उनको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद उनकी फूटी हुई आंखों में तेजाब डाल दिया जाता था, ताकि देखने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसके संबंध में एक घटना का और जिक्र मिलता है कि एक ऐसी भी घटना हुई थी जब अंधे किए गए 7 कैदी एक साथ कमरे में लेटे हुए थे, तभी एक डॉक्टर साहब अंदर पहुंचे। अरुण शैरी बताते हैं कि उन्होंने मीठी मीठी आवाज में उन कैदियों से पूछा कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। कैदियों के अंदर कुछ उम्मीद जगी कि डॉक्टर साहब लग रहा है कि अब उनके दुख को देखकर उन पे तरस खा रहे हैं, शायद उनका इलाज करेंगे। उन्हीं में से 2 कैदी कहते हैं कि हां वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद 2 कैदियों को एक एक करके अलग अलग कमरे के बाहर ले जाया गया और उनको दूसरे कमरे में ले जाकर उनकी आंखों से रुई हटाई गई, और उसके बाद एक बार फिर उसकी आंखें फोड़ी गई, उसके बाद फिर उसमें तेजाब डाल दिया गया। यह सिलसिला 1980 से चला आ रहा। और ऐसी बातें सामने आ रही थी कि उस समय पुलिस वाले उस तेजाब को गंगा जल कह के पुकारा करते थे। ये बात आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। जब इस घटना के बारे में उस समय पुलिस वालों से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो पुलिस वालों का मानना था कि अपराध पर काबू करने का यही सबसे कारगर तरीका है। ऐसा नहीं था कि उस समय की सरकार को ये सारी बातें पता नहीं थी, सभी को पता था, लेकिन भागलपुर के जो पुलिस अधिकारी जो थे, उनका यही कहना था, उनका यही जवाब था कि अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो ये बहुत ही जरूरी है और साथ ही बहुत ही कारगर तरीका है। इस घटना के बाद हमारे देश की जो जांच एजेंसियां थी, कोर्ट के आदेश पर वो इस घटना की जांच करने के पीछे लग गई। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो भारत देश की जो जनता थी, वो पुलिस वालों के समर्थन में आके खड़ी हो गई थी। लोग सड़कों पर निकल के पुलिस वालों के लिए नारे लगाने लगे थे, पुलिस वालों के साथ खड़े हो गए थे, और उनका यह मानना था कि जो भी पुलिस वाले कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपराधियों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। इस घटना के पीछे संदिग्ध तौर पर दोषी पाए गए जो पुलिसकर्मी थे, उनको तत्कालीन सस्पेंड कर दिया गया, और कुछ लोगों को सस्पेंड करके बाद में कहीं और के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये पूरी घटना क्या थी, भागलपुर की थी, जो बहुत ही दिल दहला देने वाली उस समय की थी। उस समय जितने भी क्रिमिनल्स टाइप के, जितने प्रवृत्ति के लोग थे, इस घटना के बाद जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटी थी वो पूरी तरह से स्टॉप हो गई थी, और पूरी तरह से सब दहल गए थे, और पूरी तरह से सब पुलिस वालों से डरने लगे थे जो भी गलत कामों में लिप्त थे। तो ये घटना थी भागलपुर का कुख्यात अखफोड़वा कांड की, जो कि हाल ही में फिर से सुर्खियों में आई है। मशहूर पत्रकार रहे पूर्व मंत्री अरुण शौरी की हाल ही में जो पुस्तक पब्लिश हुई, उनकी आत्मकथा है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट लॉजेस की। तो मे भी आपको ये सारी घटना समझ में आ गई, सारी चीज क्लियर हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।